हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम आईएएस में। और आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 50 जीके के क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकती हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग की जो डिज़ाइन है वो किसने बनाई है? तो इंडियन नेशनल फ्लैग की डिज़ाइन है वो बनाई है पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाई है? पिंगली वेंकैया ने। अगला है, हु डिज़ाइन इंडियन रुपी सिंबल। तो जो इंडिया का रुपी है उसका सिंबल किसने बनाया था? तो वो बनाया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने ये बनाया था इसका रुपी का साइन। अगला है, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है इंडिया का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है कविराज। क्या कहा जाता है? कविराज। अगला है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। अगला है, हु इज़ द फर्स्ट नोबल प्राइज विनर इन एशिया। तो पहले कौन है जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला है एशिया में? तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन हैं जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला है, और इन्हें मिला था लिटरेचर में। अगला है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आईज यूटिलाइज्ड। जो आई का जो डोनेशन किया जाता है उसमें किस पार्ट का डोनेशन किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉर्निया का। क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया। अगला है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। तो डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल जो यूनिट है वो है साउंड की। किसकी है? ध्वनि की। डेसिबल किसकी इकाई है? तो वो है ध्वनि की। किसकी है? ध्वनि की। अगला, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो वो है डिस्टेंस की, दूरी की। लाइट किसकी यूनिट है? डिस्टेंस, दूरी की। अगला है, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ। तो डायप्टर किसकी यूनिट है? डायप्टर किसकी इकाई है? तो वो है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, हु इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। अगला है, हु इज द फर्स्ट फॉरनर टू गेट भारत रत्न अवार्ड। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? तो वो थे अब्दुल गफ्फार खान को पहले बार थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। क्या मिला? भारत रत्न अवार्ड। अगला है, हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो वो थे A.O. Hume 1885 में मुंबई में। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी 1885 में A.O. Hume के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। पहले लोकसभा स्पीकर कौन हैं? तो वो थे G.V. Mavlankar। कौन थे? G.V. Mavlankar पहले लोकसभा स्पीकर थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे G.V. Mavlankar। अगला, व्हाट सुगर इज फाउंड इन हनी। शहद में कौन सा सुगर पाया जाता है? तो वो है फ्रैक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज। अगला है, ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क। जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करती है रॉकेट। अगला है, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भरी होती है आर्गन। क्या भरी होती है? आर्गन। अगला है, फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया। भारत की पहली बोलती हुई मूवी साउंड फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलमारा। कौन थी? आलमारा, पहली बोलती फिल्म। अगला है, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? तो भूदान मूवमेंट जो हुआ था आचार्य विनोबा भावे द्वारा हुआ था। ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। अगला है, विच रिवर मेक्स सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत का सबसे तटीय राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा समुद्र रेखा है, तो वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। अगला है, विच कंट्री टचेज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा है भारत की। अगला है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? एडम स्मिथ। अगला है, विच वेदास कंटेन्स गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। किस वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला है, फ्रॉम वेयर सत्यमेव जयते स्टेकम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला है, फ्रॉम वेयर वंदे मातरम इज टेकन, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। अगला है, हु रॉट आनंद मठ, आनंद मठ को किसने लिखा है, तो आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु रॉट पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा है, तो वो लिखा है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। आगे देखते हैं। अगला है, हु रॉट सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 से संबंधित है। अगला है, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन देता है, तो वो देता है आर्टिकल 370, 370, 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है जम्मू कश्मीर को। अगला है, विच गैस इज यूज इन एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगला है, विच गैस इज अबंडेंट इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला है, वेयर चंद्रगुप्त मौर्य डाइड, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो वो हुई थी श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला। अगला है, वेयर वाज गौतम बुद्ध बॉर्न, तो गौतम बुद्ध की जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आगे देखते हैं। अगला है, वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ वाराणसी में। अगला है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला है, हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला है, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी की खोज किसने की, किसने स्थापना की थी अभिनव भारत सोसाइटी की, तो विनायक दामोदर सावरकर। अगला है, वेन वाज बांग्लादेश गॉट फ्रीडम, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से। आगे देखते हैं। अगला है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयब जी, राष्ट्रपति अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, हु इज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार पहली महिला अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। आगे देखते हैं। अगला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडियन स्टेट, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। अगला है, वेयर इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड, भारत में कहाँ पर करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं, तो वो होते हैं नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पर होते हैं? नासिक महाराष्ट्र में। अगला है, वैन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज्ड, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज,
भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हुआ था? आंध्र प्रदेश। अगला है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले कौन थे? फादर कौन थे, इसके पिता कौन थे, जनक कौन थे इसके? तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला है, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। 1498 में कालीकट आए थे, केरल के कालीकट में वास्को डिगामा आया था। और अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1492 में। आपको याद रखने हैं। तो आपको बता दें कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वो जो लिंक है वो 1100 क्वेश्चन है, उसमें 1100 प्लस क्वेश्चन हैं। इसी तरीके के 1100 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और उसके लिए आपको पे करने होंगे 10 रुपीज़। 10 रुपये में आपको 1100 ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, जो जिस तरीके से आपको ये 50 क्वेश्चन हैं उसी तरीके से आपके ये पूरे 1100 क्वेश्चन हैं। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है 1100 क्वेश्चन की, 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो आप इनको, इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 10 रुपीज़ में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये 1100 क्वेश्चन हैं। थैंक यू, धन्यवाद। 1100 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप जरूर डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।